जैन साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको साधारण बैच की भाग 5 पढ़ाएंगे। भाग 4 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, जो नहीं देखा वो अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में जाना, और ताकि आपको बाकी सारे जो साधारण बैच की हो या दूसरा सवाल भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको आज क्वेश्चन करेंगे वो सभी आपको किसी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूलधन का 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है यदि मूलधन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो मूलधन 25 वर्ष ब्याज दर ज्ञात करो। ब्याज दर ज्ञात करो। क्वेश्चन यहां ब्याज की मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की जो रेट है वो ज्ञात करो। तो मूलधन क्या होगा, 3 गुना हो जाए। माना कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, तो 3 गुना के मतलब होता है अमाउंट हो जाएगा उसको 3 × 100 यानी कि 300 रुपए हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 200 रुपया। 300 माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मूलधन इक्वल टू कितना है तो इसका बराबर इंटरेस्ट। तो हमें मूलधन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज दर कितना है 25%, आर इज इक्वल टू 25%। तो सीधी सी बात है, हमें निकालना है ब्याज दर। बताओ आर इज इक्वल टू 25 नहीं, टी इज इक्वल टू 25%। वर्षों में 25 वर्ष, टी इज इक्वल टू 25 ईयर्स, इसको ध्यान रखना। आगे देखो क्या है, आगे अभी हम रेट परसेंट निकालेंगे। तो आर इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 इंटू पी इंटू टी, पी इंटू टी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है 200 रुपये इंटू 100 और प्रिंसिपल इसका 100 रुपये और टाइम इज 25 ईयर्स। इसके साथ इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो 8% 200 यानी कि आर इज इक्वल टू 8%। इसको आंसर क्लियर है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वार्षिक 25% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में मूलधन का 4 गुना बन जाती है। मूलधन का 4 गुना बनने का मतलब होता है मिश्रधन। मैं पिछले क्वेश्चन में आपको साधारण से फॉर्मूला से, कोई फॉर्मूला नहीं, प्लेन हमने आपको बताया, मूलधन अगर 100 माना तो मिश्रधन 2 गुना हो गया। इसी तरह की हम हो सकता है, और शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो इस प्रकार है। देखिए अगर हम इसको फॉर्मूला ये है, गुनी माइनस 1 इंटू 100 बाय वर्ष या दर, वर्ष या दर, सॉरी वर्ष या दर, यानी कि अगर आपको दर पूछता है तो दर यहां लिखना है तो वर्ष आपको मिल जाएगा। अगर वर्ष पूछता है तो वर्ष इधर लिखना, दर इधर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला, 25% आर बोल दिया, 25% और कितने वर्षों में, कितने वर्षों में मैंने पूछा, वर्ष पूछा यानी कि समय पूछा, टाइम बोलो, वर्ष बोलो, समय बोलो, वर्ष, वर्ष पूछने से हम इसको लिखेंगे गुनी माइनस 1 बटा आपका दर इंटू 100 यानी कि कितना गुना हो जाए, 4 गुना हो जाएगा, 4 − 1 इंटू 100 और रेट कितना है 25%, तो आपका टाइम समय यानी कि वर्ष मिल जाएगा। तो इसके साथ इसको कौन देगा, 4 × 4 = 100, इसको आपका 3 × 3 = 12 12 ईयर्स यानी ये 3 है और ये 4 है, 3 को 4 से गुणा करने से 12 वर्ष है, समय कितना है 12 वर्ष है इसका। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन है, कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से
ब्याज मूलधन के 3/5 गुना होगा, ब्याज मूलधन के 3/5 गुना होगा, यानी कि क्वेश्चन में आर तो बोल दिया 20%, अभी ब्याज दर कितना बोला 20%, आगे पूछा ब्याज मूलधन के 5/3 गुने का अर्थ यह है इसका जो ब्याज है वो 3 है और मूलधन है वो 5 है, यानी कि इसको ब्याज मतलब इंटरेस्ट जो है वो 3 है और मूलधन मतलब प्रिंसिपल क्या है 5 है। जहां पर गुना की बात आएगा मूलधन के तो ये है इंटरेस्ट, हम इसको ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, इस ढंग से मैं आपको करा रहा हूं। आगे क्या बोला है, अभी हमें पूछा क्या है कितने समय में टी इज इक्वल टू, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और इधर क्या है इधर आपका पी इंटू आर, यानी कि इंटरेस्ट कितना है आपका, इंटरेस्ट है 3 और 100 और प्रिंसिपल क्या है 5 इंटू आर कितना 20%। हम इसको शॉर्टकट इसके 5 करेंगे इसके साथ इस प्रकार देंगे, रह जाता है समय इज इक्वल टू समय इन टी इज इक्वल टू 3 वर्ष। क्वेश्चन क्लियर है, ओके देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है वार्षिक ब्याज दर कितना हो ताकि मिश्रधन 6 वर्ष में मूलधन का 75% ज्यादा हो जाएगा, जो मूलधन होगा उसका 75% ज्यादा होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा टाइम दे रखा है 6 वर्ष 6 ईयर्स, और क्या है मूलधन का इतना जाने का, माना कि मूलधन जो है पी तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट जो मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन का 75% मतलब 100 75/100, तो अभी इसको अगर हम इसको करेंगे तो सीधे पी प्लस इसके साथ इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3/4 25 से काटेंगे 3P/4, यानी कि 4 होने से ये 7P 4P प्लस 3P 7P/4 ये इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट है, तो यहाँ से मुझे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 7P/4 और प्रिंसिपल क्या P, यानी कि 4 LCM है तो 7P-3P 4P इज इक्वल टू 3P/4, तो ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमें मिल गया 3P/4 और अमाउंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रिंसिपल टाइम और इंटरेस्ट मिल गया ताकि हम ब्याज दर निकाल सकते हैं। ब्याज दर कितना हो सके, क्वेश्चन में पूछा है ब्याज दर कितना हो सके, तो आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे आर मीन्स आर परसेंट, आर इज इक्वल टू कितना सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना 3P/4 इंटू 100 और नीचे पी वन प्रिंसिपल है और टाइम कितना दिया, टाइम हमें 6 ईयर्स दिया था, तो इसका मतलब ये कर सकते हैं इसको इसके साथ इसको काट देंगे तो 4/25 तो 75P/1 ये भाग का चिन्ह है इसको गुना हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा तो 1/6P, तो ये पी के साथ इसको काट दिया तो अगर हम इसको लिखेंगे 3 से काटेंगे तो 3×6 और ये 3×3 = 75, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू कितना हो गया 25/2 मतलब 12.5%, 12.5% इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि परसेंटेज में ये बोला 70 मूलधन का इतना परसेंट ज्यादा है तो हम पी के थ्रू कर दिया, क्लियर है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है समय और वार्षिक दर ब्याज दर दोनों समान, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होने से ब्याज मूलधन का 1/25 अंश होगा, इसमें गुना की बात नहीं किया इतना भाग होगा बोला है कितना, तो इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, पहले तो सीधी फॉर्मूला में दो तरह के हम आपको इस क्वेश्चन को दिखाएंगे, पहले सीधा फॉर्मूला में दिखाएंगे फिर बाद में इसका शॉर्टकट ट्रिक्स में बताएंगे। तो देखिए अभी इसमें हम पहला कंडीशन क्या है, समय और वार्षिक ब्याज दर यानी टी इज इक्वल टू आर,
समय और वार्षिक रेट, रेट रेट और समय दोनों समान। दूसरा कंडीशन क्या है, वार्षिक ब्याज दर कितना होने से मूलधन का इतना होगा। तो अगर हम मूलधन माना पी है, मूलधन क्या है पी है, तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन मीन्स अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू पी प्लस, ये तो मूलधन प्लस इंटरेस्ट पी का 1/25 इतना होना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी प्लस पी बटा 25, यानी कि 25 प्लस पी, 25 पी प्लस पी बटा 25, यानी कि 26 पी बटा 25। तो ये इसका क्या मिश्रधन अमाउंट, ये है अमाउंट। तो अभी हम यहां से इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट के 26 पी बटा ए बटा 25 माइनस 1 माइनस पी, यानी कि हम इसको लिखेंगे 25 करेंगे तो 26 पी माइनस 25 पी, यानी कि पी बटा 25 क्या है इसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इसका कितना हो गया, इंटरेस्ट इसका, इंटरेस्ट इसका कितना होगा, पी बटा 25। तो प्रिंसिपल हमें पता है, इंटरेस्ट हमें पता चल गया, और हमें दोनों समान बोला, जो टाइम और रेट इसका समान है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा वार्षिक ब्याज दर समान हो तो दर प्रतिशत ब्याज दर कितना है आर, तो आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी, ना लिख के आर बोला है तो आर लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इसका हो गया पी बटा 25, पी बटा 25 इंटू 100, और पी तो प्रिंसिपल ही है, और आर हम नहीं लेंगे, आर को हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसका आर के बदले से आर स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर कर देंगे इसका हो जाए। तो अभी हम इसके साथ इसको काट देंगे तो 4 होगा, और ये पी ए पी काट जाता है, कैसे काटता है, इसको हम 4p/1 ये भाग का चिन्ह इंटू 1/p, ये काट गया तो 4 हो गया, कितना हो गया 4। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब 2a का स्क्वायर, ये स्क्वायर काट दिया तो आर इज इक्वल टू 2%, ये आर इज इक्वल टू 2% इसका फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला ऑफ सॉल्व के किया, शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे है वो देखो, कैसे है फॉर्मूला क्या बोला, जे टी इज इक्वल टू जब समय और आर जब भी बोलेगा बोलेगा तो इसमें होगा 10 × √1/n का वर्ष होगा यहाँ पर, अगर आर बोलेगा तो प्रतिशत होगा, और लेकिन कंडीशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू आर होना चाहिए। आया कहाँ से फॉर्मूला वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। यहाँ पर क्या दोनों समान है, अगर हम आर निकालना चाहते हैं मतलब टी निकालना चाहते हैं जो भी कुछ निकालेंगे, और इसकी जो 25 अंश बोला जो कोई ना कोई अंश होगा इसको एन मान लेते हैं, या तो टी इज इक्वल टू एन, तो हम कैसे करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना इंटरेस्ट होगा, मूलधन का इतना अंश, मूलधन अगर पी होगा पी का इन एन तो अंश एन मान लेते हैं, तो इसमें क्या होगा पी इंटू, अगर आर होगा तो आर इंटू आर होगा, और ये बटा 100। तो यहाँ पर क्या होगा, ए पी तो काट दिया, इधर से क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बटा एन, ये आर स्क्वायर एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बटा एन। तो 100 बटा एन अगर हम दोनों वर्ग करेंगे, ये 10 × 10 हो जाएगा, तो 10 × 10 से हम इसको सीधा कर देंगे, 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, तो हम इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू 10 √1/n का n परसेंटेज, ये इसका होगा, क्लियर है, ये इस यहां से आया इसकी फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला से इसको करेंगे। आज यहीं तक समाप्त करते हैं, अगला वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आप फॉलो करते रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड